कोर्ट ने कहा कि खाली वार्निंग जारी कर देना काफी नहीं है, आप चोर को वार्निंग कर दो कि कल से चोरी मत करना और वो करता रहे, आप उसको कुछ बोलो नहीं। और उसने कहा कि ये कानून का गंभीर उल्लंघन है और टेक लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जितनी भी हैं उनको पार्टी बनाया जाए। और जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस समय भी मामला उठाया था तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान दे दिया था कि बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए एलोपैथी के बारे में। और जवाब में क्या लिखा था बाबा ने सुनिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो, टीबी का इलाज खोजा है, लेकिन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ने बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, अस्थमा जैसे जटिल और वंशानुगत रोगों का स्थायी समाधान दिया है। ये अपने आप में झूठ था। कितने केसेस हैं, क्या अभी तक कोई स्टडी हुई है? कुल मिला के पतंजलि बाबा रामदेव का एक एक प्रोडक्ट, एक एक चीज और एक एक दवा संदेह के घेरे में है। और ये सब वो लगातार करते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शह पर। और सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया कि ये शह किससे मिली हुई थी।